तो बरसात आने से पहले ये तीन काम आप जरूर करें। ये तीन काम नहीं करते हैं तो आपका पौधा सूखने लगेगा और सूख कर मर जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बरसात से पहले आपके पौधे को क्या क्या करना है। तो आज ये बताने वाले हैं, गर्मी में पौधा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझाएं, बताएं कि आप पौधा मरने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये जो गर्मी से हम सारा आपको बताएं, अब आपको बताने जा रहे हैं बरसात, क्योंकि मॉनसून ढुकने वाला है। केरल में मॉनसून ढुक चुका है दोस्तों केरल में आ चुका है, पर दोस्तों हम धनबाद से हैं और जब हमारा बरसात आने से पहले हम अपने गमले को कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे बरसात यदि बरसात का पानी लगातार पड़े तो हमारे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। जानना क्या क्या है दोस्तों, बरसात का पानी अपने में ही एक खाद होता है। बरसात का पानी बहुत ही अमृत समान होता है हर एक पौधा के लिए, पर कुछ चीज़ होता है ना कि ज़्यादा पड़ने से हमारा वो खराबी करने लगता है। तो हमें सबसे पहले अपने गमले का चेक कैसे करना है, क्योंकि इसका जड़ जो है जाके हमारे जो इसका पीछे का भाग होता है देनी होल वो जाम तो नहीं हुआ है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिट्टी जम चुका है तो मिट्टी को हटाएंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा जड़ जो है बाहर तो नहीं आ रहा है। तो जड़ से भी हमारा और हम अपने इस तरह के हम हॉल करेंगे ताकि हमारा जहाँ तक स्टिक जाए इस तरह से। जब भी हम पानी डालें, आप पानी डालते होंगे तो गमले के यानी कि डीएनई होल से निकलता है कि नहीं निकलता है ये आप चेक करके बताएंगे। सारे गमले का आप चेक करें और इस तरह से आप गमले का देखभाल करें, इस तरह से अच्छा से आप इसका डीएनई होल चेक करें। दूसरा है आपका, इस तरह से हम ठीक कर लिए। दूसरा है मिट्टी को हम इस तरह से कुड़ाई कर लेते हैं क्योंकि अब समय नहीं है बरसात आने में। तो इस तरह से कोड़ने से क्या होता है, हमारा मिट्टी जो है भुरभुरी होता है और इसका अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा पहुंचता है। इस तरह से हम कुड़ाई कर लिए। कुड़ाई करने के बाद कुछ चीज़ है इसमें, ये गुलाब का है और गुलाब में बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है। तो आज आपको ये फंगीसाइड जो है आपको घरेलू तरीका से बताएंगे। एक मार्केट में मिलता है और एक घरेलू तरीका से आपको बताएंगे कि फंगीसाइड बरसात आने से पहले एक दो बार हम जरूर दे दें और भी आपका घर का बनाया हुआ। तो घर का बनाया हुआ आप देखें, ये जो घर का हम बनाए हुए हैं ये पौधा में भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको सर्दी खांसी का दिक्कत है तो आप अपने इसे यूज भी कर सकते हैं, पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम बनाकर कंटेनर में बंद करके रखते हैं, पौधों को भी देते हैं और हम लोग भी लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है वो देखें। इसमें है हमारा बराबर मात्रा से, जितना तीन चीज़ डाले हैं और तीनों चीज़ हमारा बराबर मात्रा से है। तो बराबर मात्रा में है लौंग, यानी कि 2 चम्मच लौंग है, गोटा दरदरा हम कूट लिए हैं। इसमें है हमारा मेथी, 2 चम्मच दरदरा कूट लिए हैं। अब जो है इसमें दालचीनी, वो भी दरदरा इसमें हम कूट लिए हैं। तो ये हमारा फंगीसाइड बहुत ही अच्छा काम करता है। यूज कैसे करना है, मिट्टी के लिए हमें ड्राई लेना है और इसे यदि हमको लिक्विड बनाना है तो आपको करना क्या है, आप गोटा ही ले लें, दालचीनी गोटा ले लें, मेथी गोटा ही ले लें 2 चम्मच और लौंग गोटा ही ले लें। यानी कि तीन चीज़ आप मिलाकर रात में फूलने डाल दें और सुबह में क्या करें, उसे पानी को छान लें। छानने के बाद आप 1 कप यदि इसका पानी ले रहे हैं तो 1/2 कप नॉर्मल पानी मिलाकर आप पौधे में, सारे पौधे में आप छिड़काव कर दें। तो पत्ते में भी फंगस लगा हुआ होगा तो हट जाएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं मिट्टी का फंगस, क्योंकि ये काम हम हर एक गमला में करेंगे ताकि हमारा जो लगातार पानी आएगा तो हमारा पौधा का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो हमें कितना लेना है, मात्र 1/2 चम्मच, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो इस तरह से इसका खुशबू आप देखेंगे, खुशबू बहुत ही अच्छा होता है। और जब ये मिट्टी में जाएगा और पानी अभी नहीं
अभी मानसून नहीं ढुका है और जब आप पानी देंगे तो सारे मिट्टी का ये रिचार्ज कर देगा, यानी कि जितना भी इसमें फंगस होगा वो फंगस हट जाएगा और मिट्टी भी हमारा स्वस्थ हो जाएगा। यदि आपको पत्ते में कहीं से भी लग रहा है कि इसमें फंगस लगा हुआ है तो पत्ते में भी इस तरह से आप छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा काम है, ये जो हम मंचिंग किए थे गर्मी का सीजन में आपको बताए थे दोस्तों, मंचिंग करने से हमारा क्या होता है, पानी को रोक के रखा जाता है, इसका जड़ को सूखने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हम घास से मंचिंग किए हैं तो इसे हम नहीं निकालेंगे। यदि आप कोई ऐसा चीज़ से किए हैं जिससे वो गलता नहीं है जल्दी और आपके शहर में मानसून ढुक चुका है तो उसे आप निकाल दें, पर इसे हम नहीं निकालेंगे, बहुत ही जल्दी ये खाद का रूप ले लेगा। तो दोस्तों इसे आपको इसी तरह में रहने देना है और आपको एक काम करना है, जैसे कि हम यहाँ पर ये भी निकाल लेते हैं, ये चीज़ निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसका रहने से क्या होता है, मिट्टी जो है हमारा ड्राई मतलब सूखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि ये जो घास सूख चुका है पर हमारा मिट्टी नहीं सूखा है। आपको मिट्टी हम दिखाते हैं, मिट्टी हमारा गीला है। मंचिंग का काम देखिए कितना अच्छा होता है। तो इस तरह से अब मंचिंग का काम हमें हटाना है और अब हमें बरसात से इसे बचाना है। तो थोड़ा सा हम इसे विटामिन दे दें, तो विटामिन के लिए देखें हम क्या रखें, ये पिलपिला सा केला है तो केला हमें नहीं डालना है, हमें क्या डालना है केवल छिलका, इस तरह से ये गुद्दा हमें नहीं डालना है, गुद्दा हमारा क्या करेगा फंगस का काम करेगा, तो इसे हमें हटा देना है, केवल हमें छिलका लेना है। तो दो को छिलका हम ले लिए, दो केले का छिलका ले लेते हैं, ताकि ये हमारा जैस्मिन का पौधा है इसमें पूरी बरसात हमें इसमें फूल चाहिए। तो फूल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से कट कर लेते हैं, छोटा छोटा पीस कर लेते हैं और इसे मिट्टी में दबा देंगे, ताकि ये 2 से 3 दिन में अच्छा से इसमें हमारा जितना विटामिन चाहिए हमारे पौधों को विटामिन मिल जाएगा। अब थोड़ा आपको बता दें, ये खरबूजा है, इसे इधर रखते हैं, ये खरबूजा है और ये बीज को हमें नहीं डालना है। यदि इस बीज को आप पौधे के रूप में उगाना चाहते हैं तो इसे धोकर अच्छा से सुखा लें, आप अपने घर पर खरबूजा भी उगा सकते हैं। तो इसे हमें नहीं डालना है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट उग जाएंगे। दोस्तों ये जो खरबूजा आप देख रहे हैं, ये खरबूजा हल्का सा ये हमारा खराब लग रहा था, पर इसमें हमारा ये विटामिन इतना अच्छा काम करेगा तो हम केले के छिलका में यानी कि खरबूजे में इतना सारे विटामिन होते हैं तो ये पौधे को हमारा सारा न्यूट्रिशन इसमें हमारा मिल जाएगा। तो ये खरबूजा भी हम कभी भी लाते हैं और हमें खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है तो हम इसे क्या करते हैं पीस काट कर पौधे को दे देते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही जल्दी हमारा ये मिट्टी में मिल जाता है और इस बीज को हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं ताकि हमारा इसमें कोई भी प्लांट नहीं उग पाए। तो इस तरह से हम पीस कट कर ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये गूदा हम जो डाल रहे हैं केले का गूदा खराबी करता है, खरबूजे का गूदा खराबी बिल्कुल ही नहीं करता है, इस तरह आप भी अपने पौधे में डालकर देखें। तो यदि अच्छा रहता तो हम केले का भी डाल देते हैं, पर ये हम जानते हैं ये हमारे पौधे में कीड़ा उत्पन्न करेगा तो इसे हम हटा दिए, पर खरबूजे का हम एक दो बार डालें इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, जितना भी हम विटामिन चाहते हैं वो सारा इसमें हमारा मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है इस तरह से, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा इस तरह का फंगीसाइड हम डाल देते हैं ताकि हमारा किसी भी तरह से फंगस लगा हुआ है तो हट जाए। इसे डाल इसलिए रहे हैं कि अब हमारा बरसात आने वाला है, तो आप जब भी काम करें तो ये फंगीसाइड आप मार्केट से यदि नहीं ले पा रहे हैं तो इस तरह से ऑर्गेनिक आप घर पर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे केले का छिलका, मात्र एक गमले के लिए 2 केले का छिलका काफ़ी है, तो इस तरह से हम डाल दिए। अब डालने के बाद हमें क्या करना है, ये खरबूजे का छिलका भी हम इस तरह से डाल देंगे। तो हम कितना पीस डाले हैं, 5 से 7 पीस डाले हैं, ये सारा हम नहीं डाले हैं। अब हम डालेंगे इसका ऊपर से मिट्टी, आप चाहें तो पत्ते का खाद डाल सकते हैं, गोबर खाद डाल सकते हैं,
यहाँ पर हम इसी का मिट्टी डाल दिए। अब जो है ये जो घास का मंचिंग हम जो किए हैं, ये हमारा बरसात के सीजन में हमारा पौधा को खराबी नहीं करेगा। यदि आपको लगे कि इसमें पानी हमारा ज़्यादा मात्रा में रुक रहा है तो आप घास को फेंक सकते हैं। हम यहाँ चेक बराबर करते रहेंगे, जिस तरह हम चेक करते हैं उसी तरह आपको भी अपने गमले का चेक करना है बरसात में, क्योंकि जितना टफ गर्मी होता है उतना ही टफ हमारा बरसात होता है। बरसात में भी पौधा को हमारा देखभाल बहुत ही अच्छा करना पड़ता है, तभी हमारा पौधा सालों साल चलता रहता है। तो इस तरह से हम अपने पौधे का देखभाल करेंगे। और दोस्तों पूरी बरसात आपको वीडियो आता रहेगा कि कौन सा पौधा को आपको बचाना है, कौन सा पौधा को बरसात में कैसे रखना है, वो सारा डिटेल जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं फिर से इसी तरह कोई नया टॉपिक में। धन्यवाद दोस्तों।